नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जहां महीनों बाद मनरेगा मटेरियल भुगतान के पाने के बाद ग्राम प्रधानों के चेहरों पर उत्साह भरा हुआ है, वहीं सिद्धार्थनगर में भुगतान न होने से नाराज ग्राम प्रधानों ब्लॉक के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठकर वीडियोस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला मिठवल ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे की अगुवाई में दर्जनों ग्राम प्रधान ब्लॉक गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और बीडीओ अमित सिंह मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पुलिस बल के साथ खंड विकास अधिकारी पहुंचे, लेकिन धरने पर बैठे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान नरही ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे ने बताया कि इस ब्लॉक पर कोई अस्थायी बीडीओ नहीं है। जब तक यहाँ कोई अस्थायी वीडियो नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोगों पर काम कराने के लिए हमेशा दबाव दिया जाता है, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है तो नहीं होता है। इस वीडियो के पास डुमरियागंज और मिठवल दो ब्लॉक के चार्ज हैं। डुमरियागंज का भुगतान कल हुआ, लेकिन मिठवल का नहीं के बराबर हुआ। इस समय वृक्षारोपण के लिए दबाव दिया जा रहा है, हम लोग कहाँ से पौधे उठाएं। क्या नाम है आपका और कहाँ के आप प्रधान हैं? आज आप लोग मिठवल ब्लॉक का गेट पे ताला बंदी किए हैं और वीडियो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें मैं तो रितेश दुबे अंशु प्रधान नरही ब्लॉक अध्यक्ष मिठवल, हम लोगों को एक तो अस्थाई वीडियो नहीं है यहाँ, अस्थाई वीडियो चाहिए। हम लोगों का पेमेंट जो है साल भर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था पहले कराई जाए। फर्म के जितने भी फर्म है सब लोग प्रधानों से पैसा मांग रहे हैं, प्रधान पैसा कहाँ से देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग अपना जो काम किए हैं उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। मूलभूत चीजों में जो रास्ता बनना है रास्ता बना रहे हैं, पैसा नहीं पा रहे हैं। फर्म के लोग प्रधानों से मांग रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या 10 महीने से कोई पैसा किसी को नहीं मिला है और यहाँ सिर्फ बीडीओ साहब की लापरवाही है? ऐसे में अगर आप लोगों का जो है भुगतान नहीं हुआ, आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति यही होगी, जब तक कोई अस्थायी वीडियो यहाँ न आ जाए, जब तक जो है हम लोगों के भुगतान की समस्या का समाधान कोई निश्चित न हो जाए, तब तक यहाँ ताला बंद रहेगा, कोई काम। उत्तर प्रदेश के द्वितीय कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने मंत्रिमंडल समूह के साथ आज जनपद मैनपुरी के बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके उपरांत वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भोगांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया और वहां मौजूद बीमारदारों से पूछताछ की। तो वहीं भोगांव स्थित निर्माणाधीन परियोजना ITI भवन का भी निरीक्षण किया। इसके उपरांत भूपेंद्र चौधरी विकासखंड बेवर के ग्राम पंचायत 4:30 बजे के लगभग पहुंचे। उन्होंने चौपाल लगाकर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों के अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा करते हुए लोगों से पूछताछ की। तो वहीं विद्यालय पहुंचकर छात्र छात्राओं को उपहार भी वितरण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने उम्र के बराबर पेड़ लगाना आवश्यक है, जिससे हमें पर्यावरण में स्वच्छता मिलती रहे। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। और 100 दिन पूरे हो गए, क्या आप अपना वादा पूरा करने में सफल? निश्चित रूप से सफल। सड़क 1 घंटे में नहीं बनेगी, 3 महीने समझ लो। जिन लोगों की जो भी आवश्यकता है सरकार संकल्पित है, सबको पूरा करेगी। हमने जनता की बेहतरी के लिए वोट मांगा है और लोगों ने हमें इसने दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। जहां महीनों बाद मनरेगा मटेरियल भुगतान के पाने के बाद ग्राम प्रधानों के चेहरों पर उत्साह भरा हुआ है, वहीं सिद्धार्थनगर में भुगतान न होने से नाराज ग्राम प्रधानों ब्लॉक के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठकर वीडियोस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा मामला मिठवल ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे की अगुवाई में दर्जनों ग्राम प्रधान ब्लॉक गेट में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और बीडीओ अमित सिंह मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पुलिस बल के साथ खंड विकास अधिकारी पहुंचे, लेकिन धरने पर बैठे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान नरही ब्लॉक अध्यक्ष रितेश दुबे ने बताया कि इस ब्लॉक पर कोई अस्थायी वीडियो नहीं है। जब तक यहाँ कोई अस्थायी वीडियो नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोगों पर काम कराने के लिए हमेशा दबाव दिया जाता है, लेकिन जब भुगतान करने की बारी आती है
तो नहीं होता है। इस वीडियो के पास डुमरियागंज और मिठवल दो ब्लॉक के चार्ज हैं। डुमरियागंज का भुगतान कल हुआ लेकिन मिठवल का नहीं के बराबर हुआ। इस समय वृक्षारोपण के लिए दबाव दिया जा रहा है, हम लोग कहाँ से पौधे उठाएं। क्या नाम है आपका और कहाँ के आप प्रधान है? आज आप लोग मिठवल ब्लॉक का गेट पे ताला बंदी किए हैं और वीडियो के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? इसमें मैं तो रितेश दुबे अंशु प्रधान न रही ब्लॉक अध्यक्ष मिठवल, हम लोगों को एक तो अस्थाई वीडियो नहीं है यहाँ, अस्थाई वीडियो चाहिए। हम लोगों का पेमेंट जो है साल भर हो गया, पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, उसकी व्यवस्था पहले कराई जाए। फर्म के जितने भी फर्म है सब लोग प्रधानों से पैसा मांग रहे हैं, प्रधान पैसा कहाँ से देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग अपना जो काम किए हैं उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। मूलभूत चीजों में जो रास्ता बनना है रास्ता बना रहे हैं, पैसा नहीं पा रहे हैं। फर्म के लोग प्रधानों से मांग रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या 10 महीने से कोई पैसा किसी को नहीं मिला है और यहाँ सिर्फ वीडियो साहब की लापरवाही है? ऐसे में अगर आप लोगों का जो है भुगतान नहीं हुआ, आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति यही होगी जब तक कोई अस्थाई वीडियो यहाँ न आ जाए, जब तक जो है हम लोगों के भुगतान की समस्या का समाधान कोई निश्चित न हो जाए तब तक यहाँ ताला बंद रहेगा, कोई काम नहीं। आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहाँ आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहाँ तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में बीती रात आई बारात में प्रधानपति के द्वारा पिस्टल से हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें दो मासूम बालक घायल हो गए जिन्हें CHC से लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया। थाना कपिल के ग्राम सिकंदरपुर खास निवासी पप्पू पुत्र मथुरा की पुत्री सोनी की बीती रात बारात आई थी। द्वार चार का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान ग्राम प्रधानपति सत्यपाल सिंह राजपूत ने अपनी पिस्टल से दो फायर हवाई किए, तीसरा फायर मिस हो गया। मिस हो जाने के बाद जब पिस्टल नीचे को की तभी वह तीसरा फायर भी हो गया, जिससे द्वारचार की रस्म देखने आए गांव के 10 वर्षीय अनुराग पुत्र राजीव कश्यप, 8 वर्षीय प्रियांशु पुत्र शंभू बाथम के कोख में जाकर फंस गई, जिससे दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। कायमगंज CHC ले गए। सूचना पर CO शहराब आलम दलबल के साथ CHC पहुंचे और पूछताछ की। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को लोहिया जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद ग्राम प्रधान मौके से खिसक गया, उनकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने प्रधानपति की पिस्टल कब्जे में ले ली है। कल दिनांक 4/7/2022 को समय रात्रि लगभग 11:30 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कंपिल के ग्राम सिकंदरपुर खास में हर्ष फायरिंग में दो बच्चों को गोली लग गई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज, SO कंपिल और SOG टीम मौके पर पहुंची और जांच करने पर पाया कि कल आकाश पुत्र पप्पू कश्यप की शादी ग्राम सिकंदरपुर खास में थी, जिसमें प्रधानपति सतपाल राजपूत पुत्र वीरेंद्र सिंह द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। उस हर्ष फायरिंग में दो बच्चे जिनका नाम प्रियांशु कश्यप उम्र 8 वर्ष व अनुराग कश्यप उम्र लगभग 9 वर्ष को पेट में गोली लगी थी। मजरूबों को CHC कायमगंज में इलाज कराया गया, मेडिकल लीगल कराया गया, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद और तदुपरांत मेडिकल कॉलेज SFI रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज SFI में इनका उपचार चल रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर लिया गया है व घटनास्थल से प्रयुक्त खोखा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अतरौला में मॉडर्न थाना श्री दत्तगंज में SI राजकुमार यादव की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक कर बकरा ईद त्योहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई और कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध है, अफवाह फैलाने व सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दें। आगामी त्योहार ईद उल अजहा बकरीद त्यौहार परंपरागत ढंग से आपसी भाईचारा व सौहार्द पूर्वक मनाएं।
अराजकता फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उसने वहां मार दिया। अब जो कमजोर था वो 3-4 लोगों को लेकर उसको लगा खोजने। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित GNM नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे RO का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने GT रोड एटा उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9452827579456214024। प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत अयोध्या के मुमताज नगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में हाई फ्लो कंपनी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। UPCD अयोध्या एवं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह व हाई फ्लो कंपनी के चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ और लगभग 5 फेस 1 में 1000 वृक्ष व फेस 2 में 1000 वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाया गया। वहीं मनीष लांभा AGM ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 1000 पौधों के पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंत्री जी के नेतृत्व में और निर्देशानुसार आज बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम UPCDA द्वारा किया गया है औद्योगिक क्षेत्र अयोध्या साइट वन में है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। आप सभी लोग IIA के माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके पर्यावरण को और सुंदर और अच्छा बनाएं। और थैंक यू। मेरा नाम मनीष लाखा है, मैं प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र UPCDA कानपुर। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव संतोष श्रीवास्तव आज बिहार से अयोध्या पहुंचे। उदयपुर की घटना को लेकर पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक राजनीतिक दल के लोग धार्मिक को उन्माद की बात करते रहेंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी सख्ती के साथ प्रशासन को अपराधी को पकड़ने में लगा दिया और 70 किलोमीटर पीछा करने के बाद उसको पकड़ लिया गया। आज भाजपा अच्छे दिनों की बात कर रही है, लेकिन ये अच्छा दिन देश के हित के लिए नहीं है। हमने अपनी सरकार रहते कभी विपक्षियों की आवाज़ दबाने की किसी भी संस्था को नहीं लगाया, लेकिन भाजपा आज सच बोलने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़वा रही है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सभी विपक्षी पार्टियों को दबाने के लिए ED CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं जो निर्दनीय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित लोग महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह, राजेंद्र सिंह, उमेश उपाध्याय, शिव पूजन पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, मोहम्मद आरिफ उपस्थित रहे। फैजाबाद जिला कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव का जिला निर्वाची के रूप में नियुक्त किया गया है और उसी दरमियान हम यहाँ आए हैं। जिला के कांग्रेस के सम्मानित साथी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं, यहाँ के नेता हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री जी, सबसे हमने रायशुमारी की है, सबसे बात किया है। सभी ब्लॉक के जो हमारे अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो सक्रिय साथी हैं, जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे AICC के मेंबर हैं और खास करके मोर्चा संगठन विभाग और प्रकोष्ठों के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, हमने 2 दिनों से कल सामूहिक बैठक करके सबसे बात जानने का कोशिश किया और आज हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मिले हैं और उनकी भावना को जानने का प्रयास किया है। जो निष्ठावान साथी हैं जिन्होंने सदस्यता किया है और लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं, जो कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं,
ऐसे लोगों को कांग्रेस के विभिन्न पदों पर समायोजित और नियुक्त किया जाएगा। इस काम के लिए हम यहाँ आए। मुद्दा है पाखंडियों से देशवासियों को सावधान होना चाहिए। जिस प्रकार से उदयपुर में और जम्मू कश्मीर में आतंकी हत्या की घटनाएं हुई हैं और उनके कनेक्शन जिस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आ रहे हैं अपराधियों के, तो देश को सतर्क हो जाना चाहिए और देशवासियों को का कर्तव्य बनता है कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं जिनका देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर। कैप्टन तारा कुशवा नर्सिंग कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर डॉक्टर श्याम सिंह शाक के फाउंडेशन द्वारा संचालित जीएनएम नर्सिंग कोर्स पाठ्यक्रम योग्यता 12वीं पास किसी भी संकाय से न्यूनतम फीस एवं शासन द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। प्रायोगिक प्रशिक्षण शाक्य सर्जिकल सेंटर बस सुविधा एवं हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। कॉलेज कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध। 24 घंटे आरओ का पानी सुविधा उपलब्ध। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी व फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध। पता FCI के सामने, GT रोड, एटा, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 9421227579456210 4